हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बाचा। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल इन अ सेल के शॉकिंग टाइटल चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में काफी क्वेश्चंस होंगे कि रेसलिंग बाचा ने अब तक वीडियो क्यों नहीं डाला था इतने दिन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे साइक्लोन चल रहा था, जिसकी वजह से वाईफाई एंड इलेक्ट्रिसिटी का काफी प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। बट अभी वीडियो रोज आएंगे दोस्तों, तो सॉरी मैंने पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला है, बट अभी रेसलिंग बादशाह के तगड़े वीडियोस रोज आएंगे। अब बात करें हेल इन अ सेल की, तो हेल इन अ सेल पेपर व्यू नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है, और इस स्पेशल पेपर व्यू के लिए काफी बड़े मैचेस बुक हो सकते हैं एंड मे बी कुछ टाइटल चेंजेस भी हमें देखने मिल सकते हैं। उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बाचा को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट हम बात करेंगे WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में। रेसलमेनिया बैकलैश में हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने मिली थी बिटवीन बॉबी लैशली, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ड्रू मैकइंटायर, जहां पर बॉबी लैशली ने चालाकी से अपना टाइटल रिटेन किया। और अब पिछली रॉ में बॉबी लैशली ने एक ओपन चैलेंज रखा था, जहां पर उन्हें फाइट करने आए थे कोफी किंगस्टन, और कोफी किंगस्टन ने ड्रू मैकइंटायर की हेल्प से, या आप कह सकते हैं कि ड्रू मैकइंटायर के डिस्ट्रैक्शन से, कोफी ने रोल अप से हरा दिया बॉबी लैशली को। तो दोस्तों, यहां पे रूमर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की मैच हो सकती है फॉर WWE चैंपियनशिप इनसाइड अ हेल इन अ सेल। और बात करें कोफी किंगस्टन की, तो कोफी किंगस्टन ने WWE चैंपियन बॉबी लैशली को पिन कर दिया है, तो क्या उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस मैच में? मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, क्योंकि कोफी किंगस्टन जो है वो टैग टीम डिवीजन के पार्ट है और उनकी राइवलरी चल सकती है मैट रिडल एंड रैंडी ऑर्टन के साथ। ये कोफी किंगस्टन ने जो बॉबी लैशली को पिन किया है, मैं तो चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक के रॉ में बॉबी लैशली तोड़ के रख दे कोफी किंगस्टन को, क्योंकि कोफी किंगस्टन जरा भी इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए इनके मैच में, क्योंकि आपको पता ही है कि कोफी किंगस्टन जब WWE चैंपियन बने थे तब वो कितने खराब चैंपियन थे और रेटिंग्स एकदम डूब गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की मैच होगी एट हेल इन अ सेल इनसाइड अ हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर फॉर WWE चैंपियनशिप। और दोस्तों, अगर कोई शॉकर पुल करना चाहे WWE ने, तो वो पुल कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर को जिताकर ये मैच और बनाकर न्यू WWE चैंपियन, क्योंकि ऐसे फिर हमें जिंदर महल एंड ड्रू मैकइंटायर दोनों जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनकी फ्यूड्स देखने मिलेगी फॉर WWE चैंपियनशिप। सो लेट्स सी क्या होता है हेल इन अ सेल। इतने सारे चांसेस मिल रहे हैं ड्रू मैकइंटायर को, मतलब कुछ ना कुछ होगा ही ड्रू मैकइंटायर के लिए। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हेल इन अ सेल में विंस मैकमैन उन्हें दे देते हैं चैंपियनशिप या फिर नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट बड़े मैच के बारे में जो जुड़ी है यूनिवर्सल चैंपियनशिप से। रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन रेंज ने हरा दिया सिजारो को और रिटेन किया अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मैच के बाद सेथ रॉलिंस एंड जे उसो ने अटैक किया सिजारो के ऊपर। अब सबको ये कंफ्यूजन है कि रोमन रेंज का चैलेंजर कौन होगा एट हेल इन अ सेल फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ पर दोस्तों काफी रूमर्स हैं कि जिमी उसो हो सकते हैं रोमन रेंज के चैलेंजर। रेसलमेनिया बैकलैश के बाद जब रोमन रेंज वर्कआउट कर रहे थे, मतलब कार्डियो कर रहे थे, तभी रोमन रेंज ने ये कहा रिगार्डिंग जिमी उसो की, जिमी तुम मुझे टेक्स्ट मत करो, तुम मुझे कॉल मत करो, तुम मुझे फेस टाइम मत करो, तुम तुम्हारे ब्रदर को मत बोलो कि मुझे टेक्स्ट करने के लिए, मुझे ग्रुप चैट में भी तुम मैसेज मत करना, हम इसके बारे में बात करेंगे, बट ये बातें होगी फ्राइडे नाइट को मेरे स्मैकडाउन पर, और काफ़ी अच्छा वीक तुम बिताना और मैं तुम्हें मिलूंगा स्मैकडाउन में, जहाँ पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कहना है रोमन रेंज का, और वो मिलना चाहते हैं जिमी उसो को उनके शो स्मैकडाउन में। तो यहाँ पर आपको पता है कि जिमी उसो ने अब तक एक्नॉलेज नहीं किया है रोमन रेंज को, तो आने वाले स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंज से जिमी उसो का कन्फ्रंटेशन देखने मिल सकता है, और वहां पर हमें पता चलेगा कि क्या जिमी उसो रोमन रेंज के साथ अलाइन होते हैं या फिर नहीं। काफ़ी चांसेस है कि वो अलाइन शायद नहीं होंगे और वो बनेंगे चैलेंजर टू फेस रोमन रेंज फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट हेल इन अ सेल। और रही बात सेथ रॉलिंस की, तो सेथ रॉलिंस के इस चैंपियनशिप मैच से जुड़ने के काफ़ी कम चांसेस है, क्योंकि उनके और सिजारो की राइवलरी चलने वाली है जो प्रोबेबली एंड हो सकती है हेल इन अ सेल पेपर व्यू में।
तो ऐसे देखा जाए तो सिर्फ जिमी उसे ही बचते हैं रोमन रेंज को फेस करने के लिए। और अगर ये मैच होती है तो काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन हमें देखने मिलेगी, जैसे हमें लास्ट ईयर हेल इन अ सेल में जे उसो एंड रोमन रेंज के बीच देखने मिली थी। इसकी चांसेस तो काफ़ी कम है, बट अगर इमेजिन करिए कि अगर जिमी उसो जीतते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप, उनके भाई जे उसो तो अनसक्सेसफुल थे रोमन रेंज को हराने के लिए लास्ट ईयर, तो इस साल अगर जिमी उसो हरा देते हैं रोमन रेंज को, जिसके काफ़ी कम चांसेस हैं, तो काफ़ी शॉकिंग होगा ये मूव। यहाँ पे एक चांसेस तो है रोमन रेंज ही जीते, बट अगर जिमी उसो जीतते हैं एक शॉर्ट टाइटल रन के लिए, तो ये काफ़ी शॉकिंग सिनेरियो होगा। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि विंस कौन सी मैच रखते हैं रोमन रेंज की एट हेल इन अ सेल। एंड ये तो सीधी सी बात है कि रोमन रेंज हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर में ही कम्पीट करेंगे, और अगर रोमन रेंज के चैलेंजर होंगे जिमी उसो, तो क्या हमें देखने मिलता है कि क्या जिमी उसो जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंज को हराकर। तो हेल इन अ सेल पे पर व्यू काफी धमाकेदार होगा, तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए हेल इन अ सेल के लिए एंड रेसलिंग बादशाह के वीडियोस के लिए भी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड हैं हेल इन अ सेल के लिए, सेकंड आप ड्रू मैकइंटायर एंड बॉबी लैशली के मैच के लिए रेडी है एंड आप इसमें से किसे विनर पिक करेंगे, एंड थर्ड आप किसे देखना चाहते हैं एज रोमन रेंज चैलेंजर इन द नेक्स्ट पेपर व्यू दैट इज हेल इन अ सेल। और क्या आप चाहते हैं कि जिमी उसो जीते यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगर जिमी उसो होते हैं रोमन रेंज के चैलेंजर एट हेल इन अ सेल। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।